मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या जो काम है उस काम के बारे में बात करोगे कि धारा वापस करने के धाराओं के बारे में नहीं जी एसआईटी नहीं जाए एसआईटी के सवाल मत करा करो ये बात खराब है क्या है हैं छोड़ो ए मंत्री जी की बदतमीजी का वीडियो वायरल लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पत्रकारों को मारने दौड़े कहा फोन बंद कर दिमाग खराब है क्या। नमस्कार मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। लखीमपुर खीरी हिंसा में बेटे आशीष के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज होने के बाद उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने आपा खो दिया। अजय मिश्रा बुधवार को लखीमपुर में आपको बता दें अजय मिश्रा बुधवार को लखीमपुर में मदर चाइल्ड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए थे। इस दौरान एक टीवी पत्रकार ने उनसे सवाल किए तो अजय मिश्रा ने उसे धक्का दे दिया और अपशब्द भी कहे। बताया जा रहा है कि भाजपा हाईकमान ने अजय मिश्रा को दिल्ली बुला लिया है। दरअसल रिपोर्टर मंत्री से एसआईटी जांच के बारे में सवाल कर रहा था। इस पर अजय मिश्रा भड़क उठे और रिपोर्टर से बोले तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बे, इस काम से आए हो उसके बारे में बात करो, पहले अपना फोन बंद कर। मंत्री जी यहीं नहीं रुके, रिपोर्टर को धमकाया भी और धक्का भी दिया। रिपोर्टर ने फिर सवाल पूछा तो मारने के लिए दौड़ पड़े। राहुल गांधी बोले अजय मिश्रा का इस्तीफा तो होना चाहिए। संसद में आज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद हम इस मामले को सदन में उठाना चाहते हैं। हमने कहा है कि इस पर कम से कम संसद में चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं मिल रही है। मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा तो होना ही चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंत्री से सवाल किया है कि पत्रकार रमन शुक्ला की मौत पर उनके माता पिता के सवालों का जवाब दो। मंत्री टेनी ने इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि यदि उनका बेटा इस मामले में दोषी साबित हुआ तो ये पद से इस्तीफा दे देंगे। मंगलवार को कोर्ट ने भी एसआईटी के उस आवेदन को मंजूर कर लिया। इसमें मंत्री के बेटे व उसके साथियों के खिलाफ हत्या की साजिश का मामला चलाए जाने की बात कही गई थी। हम आपको एसआईटी की जांच पढ़ के बता रहे हैं। संकलित साक्ष्यों से यह प्रमाणित हुआ है कि अभियुक्तों ने आपराधिक कृत्य को लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं बल्कि जानबूझकर पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अंजाम दिया है। इसमें 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये गैर इरादतन हत्या नहीं है, इनके खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलाया जाए। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा, मोनू, लवकुश, आशीष पांडे, शेखर भारती, अंकित दास, लतीफ उर्फ काले शिशुपाल, नंदन सिंह बिष्ट, सत्यम त्रिपाठी, सुमित जायसवाल, धर्मेंद्र बंजारा, रिंकू राणा और उल्लास उर्फ मोहित हैं। इन सभी के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश का केस दर्ज किया गया है।